स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टर में जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, ठीक है, मूवमेंट करते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को या फ्लो को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसका ये फार्मूला हमारे पास था, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, ये फार्मूला हमारे पास था, ये तो हमने पढ़ लिया था। अभी नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस हम पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस को हम लोग आर से शो करते हैं, ठीक है। देखो रेजिस्टेंस का असल में जो मीनिंग होता है, रेजिस्टेंस का मीनिंग होता है अपोजिशन, अपोजिशन। रेजिस्टेंस हम कहते हैं अपोजिशन या रुकावट को बोलते हैं। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो फर्ज करो ये मेरे पास एक कंडक्टर है, और ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो आपके पास कंडक्टर है उसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल के अंदर नहीं होते, शेल से बाहर होते हैं, फ्री होते हैं, उसको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर, ठीक है। एक चीज हम ध्यान में रखो, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और एटम्स भी होते हैं। ये जो मैं पॉजिटिव का निशान लगा रहा हूँ, इसका मतलब एटम्स, इसका मतलब एटम्स। तो ये जो मैंने रेड से शो किया है, इसका मतलब क्या होता है, एटम्स। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों होते हैं, ठीक है। किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स दोनों होते हैं। अब ये जो एटम्स है, एटम्स को हम पॉजिटिव साइन से शो करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टर के अंदर जो एटम्स होते हैं, एज कर